होनहार बिरवान के होत चिकने पात। इस मुहावरे को चरितार्थ करते हैं जमई के सिकंदरा प्राखंड के हदीद खान, जो ना तो किसी बड़े प्राइवेट स्कूल से पढ़े हैं और ना ही कभी गांव के बाहर किसी कोचिंग ट्यूशन में गए। गांव के सरकारी स्कूल और फिर सरकारी कॉलेज से उच्च शिक्षा पूरी करने वाले हदीद खान ने ना सिर्फ 66वीं बीपीएससी परीक्षा पास की बल्कि 80वीं रैंक हासिल करी है, जिसके बाद उनका चयन अब वीडियो के रूप में हुआ है। संघर्ष और सफलता की इस कहानी में सबसे गौर करने वाली जो बात है वह यह है कि हदीद ने फुटपाथ पर पंचर बनाते थे। सिकंदरा के पोहे गांव निवासी समीम खान के पुत्र हदीद ने कड़ी मेहनत और दृढ़ इच्छा शक्ति के बलबूते बीपीएससी की 66वीं संयुक्त परीक्षा में सफलता हासिल कर पूरे जिले का नाम रोशन कर दिया। बीपीएससी की परीक्षा में 80 रैंक हासिल करने वाले हदीद खान की सफलता इस मायने से भी खास मानी जाती है कि उन्होंने बचपन से लेकर उच्च शिक्षा तक की पूरी पढ़ाई घर पर रहकर सरकारी स्कूल से ही की। बेहद ही गरीब परिवार से आने वाले हदीद खान के पिता समीम खान सिकंदरा के जुमई रोड स्थित भगत पेट्रोल पंप के आगे फुटपाथ पर टायर का पंचर बनाते हैं। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के बावजूद हदीद ने अपनी लगन और कड़ी मेहनत के बल पर इतिहास रचने में सफलता हासिल की। पोहे गांव स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय से 8वीं तक की पढ़ाई करने के बाद हदीद ने सिकंदरा स्थित 12वीं श्री कृष्ण विद्यालय से साल 2014 में 70% अंक के साथ मैट्रिक की परीक्षा पास की। वहीं साल 2016 में 12वीं में 74% अंक के साथ उन्होंने इंटर की परीक्षा में स्कूल टॉप किया। घर में रहते हुए ही हदीद ने मगध विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। इस दौरान आर्थिक समस्याओं को देखते हुए उन्होंने बीपीएससी की परीक्षा की तैयारी शुरू करने का फैसला लिया। इसके अलावा वह सिकंदरा में ही 10वीं तक के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करते थे। साल 2019 में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने के बाद हदीद बेहतर तैयारी की उम्मीद लिए पटना चले गए, लेकिन कोरोना महामारी ने एक बार फिर से हदीद को घर वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। हालांकि कोरोना की स्थिति सामान्य होने के बाद वह पिछले 1-1.5 वर्षों से पटना में रहकर तैयारी करते रहे। आखिरकार हदीद की कड़ी मेहनत रंग लाई और बीपीएससी के घोषित हुए परिणाम में उन्हें 80वीं रैंक हासिल हुई। अपने पहले ही प्रयास में हदीद ने बीडीओ का पद प्राप्त कर लिया। हदीद की सफलता पर परिवार के साथ ही पूरा गांव और समाज गौरवान्वित है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे कोई भी सवाल हो तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।